हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो जो है सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में जो हम करेंगे 2020 और 2021 में जो एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हमारा मेन टारगेट रहेगा। इसके साथ ही साथ सेम वही चीज़ जो मैंने पहली वीडियो में भी बोली थी, आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमने जो कोर्स किया है फिजिक्स का उसमें से कितने टॉपिक्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं जो हमारे इसी के अंदर से कवर हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें से मिलेंगे, मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन है जो नहीं मिला तो ये वीडियो की हेल्प से आपका वो क्वेश्चन भी आपके उसमें ऐड हो जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएचएसएल 2021 के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एम्पियर। एम्पियर से रिगार्डिंग एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एम्पियर होता क्या है। ये करंट की यानी विद्युत की एसआई इकाई है, ये एसआई इकाई होती है, एसआई मात्रा होती है। और फॉर्मूला क्या होता है करंट का, तो करंट का फॉर्मूला होता है कितना चार्ज मूव करेगा कितने टाइम में, कितना आवेश घूमेगा कितने समय में। तो अगर मैं बात करूं एम्पियर की, तो करंट की जगह आप एम्पियर लिख सकते हो, चार्ज की जगह एक कुलाम चार्ज यानी एक कुलाम का आवेश, और टाइम की जगह एक सेकंड। तो आपको अगर एम्पियर के बारे में जानना है तो अगर एक कुलाम का आवेश एक सेकेंड में जा रहा हो उसे आप एक एम्पियर बोलते हो। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रॉपरली टॉपिक समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में समझाया है, आपको खुद ही आ गया होगा। और जितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जितने एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी है दैट मीन्स आपका साइंस, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आपको साइंस आती है तो आपको ये पता होगा। और अगर नहीं भी पता होगा तो आप पर्टिकुलरली यही वाला सेक्शन वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स की क्लासेस सारी की सारी फ्री हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसमें है टू कुलाम्ब एक सेकंड में, ये गलत हो गया, हाफ कुलाम एक सेकंड में, ये गलत हो गया, वन कुलाम पर मिनट, ये गलत हो गया, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में लेना है एक कुलाम एक सेकंड में। तो एक कुलाम, वन एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ वन कुलाम ऑफ चार्ज पर सेकंड, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन ऑप्टिक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं, ये होता क्या है, जब भी लाइट, जब भी प्रकाश किसी माध्यम में जाता है, किसी मीडियम में जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अगर ये मीडियम वन है और ये टू है तो लाइट जब भी जाएगी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, अपनी दिशा चेंज कर लेगी, बदल लेगी। और कोई माध्यम, कोई मीडियम लाइट को कितना मोड़ रहा है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सी बटे वी। सी एक ऐसा अल्फाबेट है जो हमेशा लाइट के लिए ही यूज करते हैं। क्या, किस चीज के लिए यूज करते हैं आप हमेशा सी को यूज करते हो, लाइट की स्पीड के लिए, लेकिन वैक्यूम में या हवा में। तो हवा में जो लाइट की स्पीड है वो फिक्स होती है बिल्कुल, कितनी होती है 3 × 10⁸। वैक्यूम ले लो, निर्वात ले लो या हवा ले लो, उसमें लाइट इतनी ही गति के साथ चलेगी और इसी को हम सी से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने यही बोला है सी। और वी क्या है, वी क्या होती है मैं ये भी बता दूं। जैसे अगर मान लो ये एयर है, ये हवा है, ये वाटर है, तो ये मीडियम वन से मीडियम टू में आई है ना, तो पानी ने क्या करा, लाइट को मोड़ दिया। तो पानी का अपवर्तनांक अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कितनी स्पीड से लाइट आई, हवा से आई है तो हवा की स्पीड ऊपर, जिसको सी से डिनोट करते हैं हमेशा, हवा में या वैक्यूम में एक ही स्पीड होती है तो सी से डिनोट करते हैं, और नीचे माध्यम की स्पीड। तो वी क्या होगी, जैसे पानी है तो पानी के अंदर कितनी स्पीड है, ग्लास होगा, कांच होगा तो कांच के अंदर कितनी स्पीड होगी वो। तो सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मोशंस एंड देयर एग्जांपल्स। ठीक है, आपको इसमें बहुत सारी गतियां दे रखी हैं और उनके उदाहरण की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान करनी है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल क्या होता है, जब बार बार कोई चीज रोटेट करे, दोबारा दोबारा से घूर्णन करे, ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, बिल्कुल विंड मिल के ब्लेड्स क्या करते हैं, एक बार रोटेट होंगे फिर एक बार रोटेट होंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन होती है आपकी रिजुरेखीय, रिजुरेखीय का मतलब बिल्कुल सीधा चलना चाहिए, बिल्कुल सीधा। अ स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल,
जो उनको ऊपर फेंक देते तो भी चलता, लेकिन आपने एक एंगल पे फेंक दिया, मतलब जैसे हम फेंक देते हैं वैसे फेंक देते, तो ये तो सीधी रेखा में कभी जाएगा ही नहीं। तो यही है जो गलत है। बाकी भी देख लेते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, जिसको दोलन गति बोलते हैं, ऑसिलेशन में क्या होगा कि वो घूमता रहेगा लेकिन फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे एक बोट है वो पानी में ऊपर नीचे हो रही है, तो वो बिल्कुल एक ऑसिलेटरी मोशन है। पीरियोडिक मोशन, इसके अंदर क्या है कि थोड़ा लंबा, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक सेम ही होता है, आपको मैंने पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आवर्ती गति जिसको बोलते हैं, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का अपने ही एक्सिस पे घूमना, गोल गोल घूमना, वो एक रोटेटरी सॉरी पीरियोडिक मोशन है। तो ये सारे ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन वाला एग्जाम्पल गलत है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Which of the following is a meteorological instrument consisting of a funnel-shaped collector? एक जैसे कुप्पी होती है, एक ऐसा कलेक्टर है attached to a measuring tube, और नीचे एक ट्यूब होती है मेजर करने की, जिससे हम रेनफॉल यानी बारिश कितनी हो रही है उसको नापा जा सकता है। इनमें से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बारिश कितनी हुई है उसको नापने के लिए यूज किया जाता है? तो इनमें से अगर आप देखोगे भी तो सबसे ये है स्टैंडर्ड रेन गेज यानी मानक वर्षा गेज। इससे आप वर्षा कितनी हुई, बारिश कितनी हुई वो नाप सकते हो। इसके अलावा इसमें है एक एनीमोमीटर। मैं आपको बता दूं, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करो, आप जो ऑप्शंस हैं उनको भी गो थ्रू कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि यही आएगा डिट्टो, ऑप्शन में से कुछ भी बना के दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको कर लेने चाहिए। जैसे एनीमोमीटर हवा विंड की जो स्पीड है उसको नापता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसको नापता है? हाइग्रोमीटर नापता है ह्यूमिडिटी को, कितनी ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता कितनी है हमारे यहाँ पे, नमी कितनी है। स्लिंग साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापता है कि पानी के कंपैरिजन में या एक माध्यम के कंपैरिजन में दूसरे माध्यम में कितनी आर्द्रता है। तो ये दोनों आर्द्रता के लिए यानी ह्यूमिडिटी के लिए यूज होते हैं। स्टैंडर्ड रेन गेज आपको पता लग गया, बारिश को नापने के लिए यूज किया जाता है। फटाफट से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Identify the incorrect pair with respect to the substances and their specific heat capacity at room temperature and atmospheric pressure. मैंने इसकी एक पूरी टेबल आपको वन लाइनर में बना के दे रखा है केमिस्ट्री में, तो उसे बिल्कुल फिजिक्स में, तो उसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भी है। कक्ष के सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर, मतलब क्या है कहने का कि जितना यहाँ पे रूम में जितना टेम्परेचर हो रहा है उसे गर्म ज्यादा नहीं करना, गर्म ठंडा नहीं करना, जितना प्रेशर है उसको कम ज्यादा नहीं करना, मतलब जितना नॉर्मल है उस पर पदार्थों और उनकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ये है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। अगर आप गर्म कर रहे, आपको क्या करना है, पानी ले लिया, मान लो 1 ग्राम पानी लिया, अब आपको उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है बस, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है बस, तो आप कितनी हीट उसे दोगे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे ज्यादा होती है पानी की, पानी को सबसे ज्यादा गर्म करना पड़ता है, ऐसे रखो। और इसी वजह से आप यकीन मानोगे, पानी में ही हम हर चीज जो भी हम करते हैं वो पानी के अंदर करते हैं, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, 4000 4100 के अराउंड होती है, तो अभी आप देख सकते हो। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो आप, आपको अगर याद रखना है, इन सबकी याद रखने की ऐसा नीड नहीं है, आपको याद रखना है जो मेन मेन है, पानी बहुत ज्यादा मेन है। नॉर्मली पानी के ऊपर क्वेश्चन आता है, या तो आएगा इनमें से किसकी सही है तो पानी दिख जाएगा, बाकी सबकी गलत होगी, उन पर ध्यान भी नहीं देना, पानी की याद रखोगे तो पता लग जाएगा ये सही है, या आएगा इनमें से किसकी गलत है, तो उसमें आपको पानी की पहचान करनी है, पानी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन की जो होती है वो 506.5 होती है, टंगस्टन की 134.4, जो मैंने भी याद नहीं कर रखी, मैंने पानी की याद कर रखी है। एल्यूमिनियम की 900 है, वाटर की 1200, ये गलत है। मेरे ख्याल में इसकी वाटर की होती है 4187 के अराउंड, आपको अभी दिख भी जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टार्टिंग वोल्टेज ऑफ एन ए ए बैटरी यूज फॉर होम गैजेट सच एज रिमोट कंट्रोल, स्मॉल टॉय एंड वायरलेस किचन अप्लायंसेज। जो हम रिमोट में या छोटे मोटे जो ये उपकरण होते हैं इनके अंदर जो हम बैटरी डालते हैं उनकी वोल्टेज कितनी होती है प्रारंभिक, ये जो नॉर्मल सेल्स होते हैं इनकी बात कर रहे हैं, इसको डबल ए बैटरी बोला जाता है, और इनके अंदर जो वोल्टेज होती है वो 1.5 वोल्ट, बहुत छोटे वोल्टेज के होते हैं, तो 1.5 वोल्ट की इनकी बैटरी होती है, जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो 1.5 वोल्ट इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Which base unit discovered in 1820 represents 1 coulomb of charge per second? पहली बात तो, हाँ जी, 1 coulomb 1 second में,
अभी ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि पहले था एम्पियर के बारे में बताओ, और एक कुलाम क्या है, चार्ज है ना, आवेश है ना, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में। करंट बनता है जब चार्ज मूव करते हैं, आवेश हिलेंगे तो काम होगा, तो आवेश कितने समय में हिल रहे हैं उसको करंट बोलते हैं, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो आपसे ये पूछा है इनमें से कौन सी है, एम्पियर है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, एम्पियर की जो खोज हुई है, करंट की जो खोज हुई है वो कब हुई है, 1820 में। तो ये आपको पता होना चाहिए 1820 में हुई है। कैसे पता लगाओगे, देखो करंट की मदद से, जब करंट नहीं रहता है तो ही सारे चोरी चकारी के काम होते हैं ना, 420 वाले काम तभी होते हैं। करंट क्या करता है, 420 को डबल कर देता है, तो चार को डबल कर दिया 8, 820। तो 1820 में ये बहुत बहुत ज्यादा लेम एक ट्रिक थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार जब आप वीडियो देखते हो ये चीज दिमाग में ना, यही चीज दिमाग में बैठ जाएगी कि बहुत लेम सा कुछ था। तो 1820 में करंट की यूनिट एम्पियर की खोज हुई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Who was awarded, ये रटने वाला है प्रॉपर, कोई कंसेप्ट नहीं है। किनको फिजिक्स का नोबल प्राइज दिया गया, एक नोबल पुरस्कार दिया गया है 1926 में, जिन्होंने डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की असतत संरचना, की जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, असतत होता है वो। तो इनका जो आंसर है वो है जीन बैप्टिस्ट पेरिन। जीन बैप्टिस्ट पेरिन ने ही ये बताया था कि जो आपका मैटर है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, वो सतत नहीं होता, असतत होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप कैसे याद रखोगे कि आजकल क्या चल रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूस यानी कॉन्टिन्यू एक जैसी नहीं चलती, कहीं से फट रही है, कौन क्या चीज फटती है, जीन्स फटती है। तो जीन से नाम शुरू हो रहा है, जीन बैप्टिस्टे पेरिन। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द करंट इन द बल्ब विल स्टॉप फ्लोइंग, एक बल्ब में अगर करंट है वो कब बहना बंद हो जाएगा। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। व्हेन द कंडक्टर इज ऑन, अगर आपने बल्ब को ऑन कर रखा है तो कैसे होगा, ये तो गलत है। इफ द सर्किट इज ब्रोकन, हाँ ये सही है, सर्किट टूट गया उसका कहां से करंट फ्लो होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भी पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, जरूरी नहीं है आप बल्ब को ऑन करो मैग्नेट रख दो कुछ भी नहीं होगा उस पर। व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन, स्विच अगर ऑन होगा तो बल्ब तो जलेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, सर्किट इज ब्रोकन। वॉट टाइप ऑफ रेडिएशन डेजिग्नेट्स अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद फ्रीक्वेंसीज अप्रोक्सीमेटली, ये मैं बताती हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी विद्युत चुंबकीय किरणों का पूरा मैंने आपको एक शॉर्ट में वीडियो ऐप पर है, क्लासेस में अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बता रखा है कि कितने टाइप की रेडिएशंस होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और उनकी वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में अगर बता दूं, जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो सबसे ज्यादा जो होगी वो होगी गामा किरणों, सबसे कम जो होगी, सबसे कम वो गामा किरणें, क्योंकि इनमें सबसे, आप ये समझो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ना उल्टे होते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गामा किरणों में होती है, तो इनकी जो लेंथ होगी सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा होगी रेडियो वेव्स की, सबसे ज्यादा, ठीक है। इतना कितना डिफरेंस होता है मैं ये भी बता दूं, इसमें तो पता लगा माइक्रोमीटर में, यानी 10^-6 या इससे भी ज्यादा थी, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, पर आपको मैं बता दूं रेडियो वेव्स की ये चली जाती है मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर से आगे भाई एक बात सुनो, माइक्रोमीटर है, माइक्रोन है, तो ये तो छोटी छोटी यूनिट हो गई ना, मिलीमीटर हेक्टोमीटर ये थोड़ी बड़ी यूनिट हो गई। तो आप ये समझो कि माइक्रोमीटर से होती हुई ये मिलीमीटर में जो है वो चली, ये माइक्रो, हाँ माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है ये, और ये मिलीमीटर के, मिलीमीटर से आगे हेक्टोमीटर किलोमीटर, अगर इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स आ रही हैं तो वो किसकी होंगी, रेडियो वेव्स होंगी। तो इन्होंने यही बोला कि बताओ 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक तो होती है वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक चला जाता है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी आवृत्ति है, वो लगभग 300 GHz से 3 kHz। तो ये किस में होगा, ये होगा रेडियो किरणों में, रेडियो वेव्स में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये प्रॉपर लर्न करने वाला टॉपिक ही है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब्स अ फुल रेंज ऑफ लाइट दैट इज जनरली डिवाइडेड इनटू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, वो प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसमें आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के डैश क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में, यानी लाइट कितने हिस्सों में डिवाइड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, अभी आपको बताया 7 रंगों में, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 7 यानी 7। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाउ इज द, और ये 7 रंग है भी कौन कौन से, ये 7 रंग है विबग्योर,
वॉयलेट, इंडिगो। तो वो जो स्पेक्ट्रम है ना, वो जो पूरी श्रृंखला है, उसमें सात सात के सात रंग, इनकी वेवलेंथ कितनी है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सब बताया जाता है। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये इसमें कलर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, यानी जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्ट मीटर उनके बीच में कैसे जुड़ा हुआ होता है। ये होता क्या है, ये नापता है वोल्टेज, हमारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, जिसको साइंस में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ये आपका सॉकेट है, अब आपको ये देखना है इसमें कितनी वोल्टेज है, तो डायरेक्टली थोड़ा लगाओगे, डायरेक्टली लगाओगे तो करंट जाएगा, जबकि करंट नहीं नापना, विभवांतर नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। आप लगाते हो पैरेलल में, इसको बोलते हैं पैरेलल, जब आप डायरेक्टली ना जोड़ के, उनसे डायरेक्टली ना जोड़ के लाइन लगा के जोड़ते हो, एक अलग से जोड़ते हो, उसको आप बोलते हो पैरेलल। तो आप इनको कैसे जोड़ते हो, पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसी के साथ अगर क्वेश्चन आ गया आमीटर को कैसे जोड़ते हैं, आमीटर जिससे करंट नापते हैं, इससे करंट नापा जाता है, तो करंट अगर नापना है तो डायरेक्टली तार में लगाओ ना, तो इसको आप जोड़ते हो सीरीज में। ठीक है, सीरीज को हम क्या बोलते हैं, सीरीज को हम बोलते हैं श्रृंखला में, उसी श्रृंखला में लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं लगाते, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हेन डू इलेक्ट्रॉन्स मूव फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, इलेक्ट्रॉन्स क्यों हिलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करंट अगर बनाना है आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में करंट पास कराना है, तो क्या तरीका क्या है, यहाँ पे जो आवेश होंगे, जो चार्ज आपका यहाँ पड़ा होगा, उसको यहाँ से यहाँ तक हिलवा दो, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दो, तो करंट बन जाएगा। तो वो क्यों मूव करेंगे यहाँ से यहाँ, कुछ ना कुछ तो उनको डिफरेंस चाहिए ना, तो उनको यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस या पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है, एनर्जी का डिफरेंस मिलता है, तो डिफरेंस होना चाहिए। ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, बिल्कुल ठीक है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर होगा, यहाँ कम प्रेशर है या ज्यादा प्रेशर है, एकदम चले जाएंगे ज्यादा प्रेशर की तरफ, तो ही करंट हिलता है, तभी करंट बनता है। व्हेन द चार्ज इज स्टॉप फ्लोइंग, ये तो हो ही नहीं सकता, अगर चार्ज नहीं चल रहे हैं तो करंट कैसे बनेगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का इसमें रोल नहीं है। व्हेन देयर इज नो डिफरेंस, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो भी, अगर कोई इंसान एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब ले रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसको डिफरेंस वहां मिल रहा होगा, चाहे वो क्वालिटी का डिफरेंस हो, चाहे वो सैलरी का डिफरेंस हो, तो डिफरेंस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डिफरेंस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाई आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इजीली डाउन द ग्रुप, ग्रुप होता है वर्ग, एक वर्ग में नीचे बढ़ने पर सबसे भारी इलेक्ट्रॉन आराम से क्यों खो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब आप नीचे बढ़ते हो, सबसे नीचे बढ़ते वक्त होता क्या है कि जो एटम होता है उसका साइज बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो बाहर वाला, अब ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस कैसा होता है, प्लस, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, ऋणात्मक, तो ये अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे प्लस और माइनस दूर होते जाते हैं, तो इनके बीच में जो बल है वो घट जाएगा, आराम से निकल जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जाते वक्त क्या होगा, साइज बढ़ता है, इस वजह से दूर हो जाएंगे, फोर्स कम हो जाएगी। द एलिमेंट्स आर इनर्ट, गलत, ये निष्क्रिय तो नहीं होते। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, गलत है डेफिनेटली, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर, इनर मोस्ट वालों की तो बात ही नहीं करनी, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं करनी, हमें बस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which technology uses a combination of a large magnet and radio waves to view organs and structures inside our body? कौन सी टेक्निक है जो मैग्नेट का इस्तेमाल करती है हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को देखने के लिए? मैग्नेट से रिलेटेड एक ही टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं MRI।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये रही वो टेक्निक, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है जिसमें मैग्नेट की मदद से अंदर ऑर्गन्स के इमेजेस ली जाती हैं। तो इसका आंसर ये है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू हेनरी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, ये कोई एक्सपेरिमेंट है हेनरी कैवेंडिश ने जो किया था, कंडक्टेड इन 1797 टू 1798, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी निकली थी। तो ये मैं ग्रेविटेशन में समझा चुकी हूँ, प्रॉपर रटने वाला है। इसकी जो वैल्यू मैंने आपको याद करा रखी है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 समझा रखी है। और आपको मैं बताऊं, ये हर जगह सेम रहती है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग कैलकुलेशन आ रखी है, तो जो भी इसके नजदीक होगी आप उसकी वैल्यू पर टिक लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं 3.7.5, तो एक ही ऑप्शन है 6.75, राउंड ऑफ करोगे तो 6.7 ही बैठेगी। 6.75 इंटू, ये है 6.75 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ फिजिक्स की क्लास में, ग्रेविटेशन वाली क्लास में। तो जिनको इसमें प्रॉब्लम है एक बार वो जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है वो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है। दो ही जी थे इसके अंदर, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, ये फिक्स रहता है इसकी वैल्यू, मैंने आपको चैप्टर में ये पढ़ा रखी है, और इसी के नजदीक वैल्यू आएगी डेफिनेटली। कभी ऐसा नहीं होगा कि 6.6 भी दे दी 6.7 भी दे दी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। स्मॉल जी की वैल्यू ये है त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो पृथ्वी के कारण जो त्वरण मिलता है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या कहीं कहीं 10 भी आप देख सकते हो। ये हर जगह बदलेगी, जबकि ये कहीं नहीं बदलेगा, आप चंद्रमा पे चले जाओगे तो यही रहेगा। तो जी हमेशा सेम रहता है, स्मॉल जी हमेशा बदलता रहता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन 1820 हु फाउंड दैट इलेक्ट्रिक करंट causes a magnetic needle to move and thus discovered electromagnetism. Electromagnetism मैंने आपको बताया था कि electricity की मदद से, current की मदद से magnet को बनाना, magnet की मदद से current को बनाना, उसको electromagnetism बोलते हैं। तो सबसे पहले scientist ऐसे कौन से आए थे जिन्होंने ये दिखाया था कि current अगर आप pass करोगे, उन्होंने एक तार लिया उसमें current pass किया, current को I से denote करते हैं, और यहाँ उन्होंने एक मैग्नेट की सुई रख दी। वैसे कंपास नीडल है ये, मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी मैं आपको वन लाइनर में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ टॉपिक। तो उन्होंने क्या रखा, वो जो कंपास जिसे डायरेक्शन पता लगाते हैं वो रख दी, क्योंकि जो उसकी सुई होती है ना वो मैग्नेट ही होती है। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी, जैसे ही करंट पास हो रहा था मैग्नेट हिल रही थी, और आपको पता है मैग्नेट कब हिलती है, मैग्नेट तभी हिलती है जब उसके पास दूसरी मैग्नेट हो। एक मैग्नेट रखी दूसरी लेके आओ चिपक जाएगी ना, मैग्नेट हिलती है तब है जब दूसरी मैग्नेट हो। तो अगर ये हिल रही थी, इसका मतलब क्या है कि ये जो करंट है इसके अंदर भी किस चीज की गुण है, किस चीज की प्रॉपर्टीज है मैग्नेट। तो ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खोजा उसको अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट से याद रखोगे अरेस्टेड। हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज का पता लगाया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन अ रेजिस्टर व्हाट हैपेंस टू द करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल, रुकावट डबल कर दी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अवरोध होता है ना, रुकावट होती है, रुकावट डबल कर दी तो जाने वाले लोग कैसे हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जितनी रुकावट बढ़ाओगे करंट उतना कम हो जाएगा। तो अगर आपने करंट को, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, द करंट गेट्स हाफ्ड। और वैसे भी आप वैसे भी कर सकते हो, आपको ओम्स का नियम आपको समझा रखा है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। आपसे पूछा है अब आपको यहां से निकालना है करंट, तो करंट की वैल्यू आप पहले निकाल सकते हो। आई का फॉर्मूला बनेगा वी अपॉन आर, ये आर अपॉन में चला जाएगा, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब आप खुद सोचो, अगर आप रेजिस्टेंस डबल कर रहे हो, आपने रेजिस्टेंस पहले से डबल कर दिया तो करंट क्या हो गया, ये पहले वाला फॉर्मूला था, अब नीचे दौड़ लग गया, तो करंट क्या हो गया, हाफ हो चुका है। तो करंट गेट्स हाफ, ये इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Who was famous for inventing the power battery? Power battery जो थी, जो बहुत अच्छा सोर्स थी पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, 1800 के करीब सबसे पहले किसने इनको इन्वेंट किया, तो ये थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। वोल्ट इसलिए आया है वहां से क्योंकि सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ है इस चीज की, जिसने डिस्कवरी की है, इन्वेंशन की है, वो कौन थे, वो थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। उन्होंने 1800 जो आपकी ईस्वी थी उसमें उन्होंने क्या करा, 1800 से ईस्वी में उन्होंने पावर बैटरी का इस्तेमाल किया, सबसे पहले उन्होंने ही खोज की थी। तो वो कौन थे, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। तो पावर बैटरी किसने खोजी, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। वोल्ट से याद रखोगे वोल्टा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
गिवन इक्वेशन, ये न्यूटन का जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, गति के जो समीकरण थे उसमें थे। तीन गति के समीकरण होते हैं। सबसे पहला होता है v बराबर यू प्लस ए टी, जिसमें v होगा आपका जो आपकी बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल अंतिम वेग जो होगा। u होता है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और t हो गया टाइम। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, जहाँ पे S क्या होता है, कितनी दूरी तय करी, कितना विस्थापन किया, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो वो बोल रहे हैं किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है। एक तो S के बीच में यानी विस्थापन या पोजीशन के बीच में, और साथ में टाइम के बीच में। तो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा यही दो चीजें आ रही हैं, तो इस समीकरण को, इस इक्वेशन को आप पोजीशन टाइम इक्वेशन भी बोलते हो। वेलोसिटी नहीं आएगी क्योंकि दोनों वेलोसिटी नहीं है। डिस्टेंस टाइम नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकते हैं, दूरी और विस्थापन दोनों हो सकते हैं। वेलोसिटी टाइम भी नहीं आएगा। तो किस किस के बीच में पोजिशन टाइम जो इक्वेशन है वो इसी को बोला जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑन ए बाथरूम मिरर, द लेक, द ग्लेयर। नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन होता है कि लाइट आई टकरा के चली गई, इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, परावर्तक प्रतिबिंब। आप खुद सोचो, आप देखो ग्लॉसी में क्या होता है, शाइनिंग सी आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि शाइनिंग आती है जब आप मिरर में देखते हो। मल्टीपल ऐसा नहीं है, कई सारी इमेज बन रही हैं, ये नहीं होगा। डिफ्यूज, डिफ्यूज में तो बनती ही नहीं है, वो कुछ गड़बड़ बनती है, फेस इधर बॉडी इधर, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होता है। तो जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है उसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या परावर्तक प्रतिबिंब कहा जाता है। आप देख भी सकते हो डिफ्यूज में क्या होगा, लाइट आएगी, सीधी सीधी लाइट आ रही है जैसे, लेकिन इधर उधर जा रही है। इसमें जो सीधी आएगी वो सीधी ही जाएगी, तो इसमें क्या बिल्कुल सही इमेज बनती है, इसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी और इसका भी। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंस अगर होगा तो ही चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे और तभी करंट बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को वी यानी वोल्टेज, विभवांतर को वी से दिखाते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि आप कितना काम कर सकते हो चार्ज को यहां से यहां लेकर जाने के लिए। आपको क्या करना है, चार्ज को, आवेश को यहां से यहां लेकर जाना है, तो आप कितना काम कर सकते हो यानी कितना काम किया जा सकता है चार्ज को मूव करने के लिए, कितना कार्य कर सकते हो आवेशों को हिलाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन Q। फटाफट से मार्क कर लीजिए। आइडेंटिफाई द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। VIP होता है ना, ओम था वो VIP थे, तो P का R बनाना है VIR। V है वोल्ट, I है एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जो अवरोध है उसकी जो SI इकाई है वो होती है ओम। तो आपका A गुना ओम ये होगा, तो A गुना ओम ये ऑप्शन में है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलॉसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, पॉपुलरली नोन एज प्रिंसिपिया, ये बुक का नाम है इतना लंबा। ये 1687 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिखी थी। 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है, वो किसने लिखी थी? तो देखो एक चीज बता देती हूँ, साइंटिस्ट के जो प्रिंसिपल थे वो एक ही थे, न्यूटन, है ना। न्यूटन ने ही नियम दिए, न्यूटन ने ही समीकरण दिए, सब कुछ न्यूटन ने दिया। तो इसका आंसर है इसैक न्यूटन। तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक, कोई बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं है, स्टैटिक का पोर्शन है वैसे भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन विच ईयर डिड डिमित्री मेंडलीव एंड लोथर मियर इंडिविजुअली कम अप विद देयर ओन पीरियोडिक लॉ एंड प्रपोज दैट ऑन अरेंजिंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। देखिए मैंने आपको एक समझाया था क्लासिफिकेशन, जिसमें केमिस्ट्री का जो चैप्टर था, ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर में आ चुका है ऑलरेडी। तो हम जो आज पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि हम ये पढ़ते हैं कौन सा एलिमेंट कहाँ है, किसका नंबर क्या है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे, मैं आपको बता दूँ, जो इसमें आ चुका है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे।
तो जो आपके मेंडलीव थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, हम जो आज पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उनके वाली बिल्कुल गलत थी, पर हम जो आज पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलत दी थी, या उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उनकी वाली के बेसिस पे ही हमने अपनी आज नए वाली बना रखी है पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव और आपके मीयर ये दो थे जो आए थे, जिन्होंने ये बताया था, मतलब हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, अगर आपने केमिस्ट्री की क्लासेस ली हैं तो आपको पता है कि हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें एलिमेंट्स को, तत्वों को हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा है, परमाणु संख्या के बेसिस पर रखा है। ये आए थे परमाणु भार वाले, क्योंकि हमने जो बनाई है हमारी पहली है जो संख्या के बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। हमसे पहले जितनी थी वो सब एटॉमिक वेट के बेसिस पे थी, परमाणु भार के उस पे थी। तो ये थे जो सबसे मेजर चीज लेकर आए थे। तो ये दो जने थे ना, है ना, और इन्होंने हमारे से बिल्कुल उल्टा काम किया। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जो बिल्कुल उल्टे होते हैं एक दूसरे के, 6 और 9, ऐसे याद रखोगे। तो 1869 में इन्होंने अपना काम लेकर आए थे जिसमें ये बताया था कि अगर आप मास के बेसिस पे, परमाणु भार के बेसिस पे रखोगे तो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, यानी उनके गुण वापस वापस रिपीट होंगे। तो आपको सबके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनको तरीके से लगाओ और सबसे ऊपर वाले एलिमेंट के बारे में पढ़ लो, उसके नीचे जो जो आएंगे सबके आप पढ़ पाओगे। तो ऐसा कुछ करके था, आपको केमिस्ट्री की जब आप क्लास लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर है 1869, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Who was famous for the invention of vacuum pump? Vacuum pump की discovery किसने की थी, invention किसने किया था, और उन्होंने ही absolute vacuum की, space में vacuum कैसा है, जो अंतरिक्ष है वहां पे कैसे निर्वात है, ये सब किया था। इन्होंने ही हवा का वजन नापा था, इन्होंने ही weather, मौसम की कैसे जानकारी ले सकते हो, ये सब इन्होंने बताया था। तो इनमें से कौन से 17वीं शताब्दी के वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी, हवा के भार का मापन दिया था, मौसम की भविष्य करने वाले हवा के दाब का इस्तेमाल किया था, तो ऐसे कौन से थे? तो ये थे आपके ओटो वॉन ग्यूरिक। ओटो वॉन ग्यूरिक थे जिन्होंने इन सब चीजों की डिस्कवरी की थी। ये लर्न करना पड़ेगा, स्टैटिक का पोर्शन है, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। डेली आप इसको रिवाइज करना, जो क्वेश्चन ऐसे हों जब डेली रिवाइज करोगे तो दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। In 1904, who proposed plum pudding theory? इतना बहुत रहता है, plum pudding theory आपने पढ़ा है, ये भी chemistry का question है। Plum pudding theory किसने दी थी, जिसके अंदर ये बताया था कि जो atom है, जो परमाणु है, वो पूरा का पूरा positive charge है, सब जगह plus plus charge बना हुआ है, बीच बीच में कहीं कहीं negative charge है, जैसे खीर में होता है, ड्राई फ्रूट्स बीच बीच में है, तो वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, बाकी हर जगह प्लस प्लस चार्ज है। तो ये बताया था आपका थॉमसन ने। थॉमसन का जो मॉडल था उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, ठीक है, या वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। जैसे वाटरमेलन में रेड वाला पार्ट है वो प्लस है, जहाँ बीज है बीच बीच में वो नेगेटिव पार्ट है। तो ये है जिसका आंसर सर जे जे थॉमसन है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Who was awarded the society's royal medal for his atomic theory? Atomic theory एक नहीं साइंटिस्ट ने दी है, परमाणु सिद्धांत एक ही साइंटिस्ट ने दिया है, और शॉर्ट में मैंने आपको याद भी करा रखा है डेट। तो डेट जो थ्योरी है, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी दी ही एक ही इंसान ने, डॉल्टन। तो अगर आपको प्रॉपर ऊपर का याद नहीं भी होता, आप तो बल्कि आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन आ जाएगा कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है। तो इनको रॉयल मेडल मिला है। इसके अलावा किसने थी ये थ्योरी? डॉल्टन ने दी थी ये थ्योरी। तो पोस्टुलेट्स जो दे रखे हैं वो जॉन डॉल्टन ने दे रखे हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके ये जल वैद्युत शक्ति केंद्र होते हैं जहां पे जल से बिजली बनती है, वो क्या करते हैं? टर्बाइनों पे पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। पानी बहुत तेज प्रेशर से पड़ेगा शाफ्ट पे, मैंने ये भी समझा रखा है आपको पूरा पावर प्लांट ड्रॉ करके। तो पानी इनमें पड़ेगा, पानी आपकी जो हत्ती होती है, जो शाफ्ट होती है, वो गोल गोल घूमेगी और जनरेटर ऐसे चलते हैं ना, शाफ्ट घुमानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बननी शुरू हो जाएगी। तो वो ये बोल रहे हैं पानी की, क्योंकि पानी पहले इकट्ठा करते हैं एक हाइट तक, इकट्ठा करते रहेंगे रिजर्वॉयर में, जो डैम होते हैं वहां पे पानी इकट्ठा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। कौन सी एनर्जी होगी वहां पे जब किसी चीज को इकट्ठा करते हैं, रोकते हैं? वहां होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। फिर उसको एकदम से छोड़ देंगे तो उसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया? काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा में। तो वो किसमें कन्वर्ट करते हैं? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।
हु फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आई और वी के बीच में रिलेशनशिप किसने बताई थी, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर हो गया यानी वोल्टेज, करंट तो वी और आई के बीच में आप आज की वीडियो में कई बार कर चुके हो अभी तक, ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम, ओम नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने ओम्स लॉ भी दिया था, और ओम्स लॉ क्या था, वी बराबर आई आर। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Why does effective nuclear charge, ये दोबारा आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट है, लैंग्वेज चेंज हो गई। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन पे न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कम हो जाता है नीचे जब हम बढ़ते हैं ग्रुप में, समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों घटता है। तो अभी बताया था ना जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे ग्रुप में एक समूह में साइज बढ़ता जाता है परमाणुओं का, एटम का साइज बढ़ता जाता है, तो जब दूरी बढ़ रही है तो अपने आप से जो बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इनका साइज बढ़ता है। तो रीजन क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास है, गलत, पास तो नहीं है दूर जा रहे हैं, इनर मोस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है छोड़ दो, एलिमेंट्स इनर्ट छोड़ दो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 1928 हु डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ रे ऑफ कलर्ड लाइट, ये मैं आपको क्लासेस में समझा चुकी हूँ फिजिक्स की, कि 1928 में ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई रंगीन प्रकाश है, कोई कलर्ड लाइट है, उसकी कोई किरण आके गिरेगी, उसकी कोई रे आके गिरेगी किसी लिक्विड पे, तो उसका एक छोटा सा पार्ट तो वो फैला देगा, लिक्विड के अंदर कलर फैलेगा ही फैलेगा उस लाइट का, और जब वो कलर फैलेगा तो डिफरेंट कलर का हर चीज़ दिखेगी। तो सबसे पहले कौन से थे, ये इंडियन साइंटिस्ट थे। 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है, तो प्रोनंसिएशन पे इतना ध्यान मत देना, आपको समझ आ गया होगा कि जो वो स्कैटर करती है, जो फैलाती है लाइट, उसकी वजह से प्रकाश अलग रंग का लिक्विड दिखाई देने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी और इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, वो थे CV रमन। CV रमन ने ही लाइट का सब कुछ बताया था, आसमान नीला रंग का क्यों है, पानी क्यों नीले रंग का दिखाई देता है, सब कुछ इन्होंने बता रखा है। जहां भी स्कैटरिंग की बात आएगी, प्रकीर्णन की बात आएगी, वहां पे आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस में सीवी रमन ही आप लगा के आओगे। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन थे जो भी आपने करे हैं CHSL 2021 के। अब मैं बात करती हूँ CHSL 2020 की, तो चलिए शुरू करते हैं 2020 के क्वेश्चंस फटाफट से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड गॉस, गॉस किसकी इकाई है, तो गॉस इकाई होती है मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण की। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब वही था जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि एक मैग्नेट है, ये उसके आसपास का क्षेत्र है, तो ये इतने क्षेत्र में कितना बल लगा सकती है, इसकी लाइंस होती है आपको पता है ना, मैग्नेट क्या करती है, ये फोर्स लगाती है चारों तरफ, ये फोर्स लगाती है, मैग्नेट है ये नॉर्थ ये साउथ, ये इसके ध्रुव है पोल्स हैं, तो ये एक एरिया में एक क्षेत्र में बल लगाएगी राइट, तो कितने क्षेत्र में कितना बल लगा पा रही है उसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, गॉस। कैसे याद रखोगे, अगर किसी चीज को गैस करना है, आइडिया लगाना है, तो मैग्नेट का आइडिया लगाओगे, तो यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये मैं क्लास में बता चुकी हूँ, अगर कोई द्रव है उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी गति से बह रहा है, उसके लिए जो आपका वो है इंस्ट्रूमेंट है, अगर पाइप में कोई चीज बह रही है तो उसका है वेंचुरी मीटर। इसके अलावा इनकी बात अगर मैं करूं, मैं ये भी बता देती हूँ, ओडोमीटर डिस्टेंस को नापता है, जो आपकी एक्टिवा व्हीकल्स में डिस्टेंस नापता है वो ओडोमीटर होता है। मैक मीटर क्या होता है, मैक मीटर आप ये समझो कि जो हवाई जहाज होते हैं उनकी कितनी स्पीड है साउंड की स्पीड से, मतलब कंपेयर अगर आप करो हवा की स्पीड से कितनी तेज या कितनी धीरे वो चल रहा है, वो मैक नंबर बताता है, ये छोड़ दो। क्रायोमीटर, अगर बहुत ज्यादा कम तापमान है, ठंडा तापमान है, उसको नापना है, क्रायोमीटर का यूज करते हो। वेंचुरी मीटर आप इस्तेमाल करते हो अगर
कोई चीज बह रही है पाइप के अंदर, लेकिन अगर कोई चीज हमारी आंख में बह रही है उसके अगर आपको कुछ मेजर करते हैं तो हम उसको यूज करते हैं टोनोमीटर से। आगे क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। चले पहले इसकी बात करते हैं, किसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अभी वापस से क्वेश्चन आया, मैंने बताया एटॉमिक थ्योरी जो है परमाणु सिद्धांत एक नहीं दे रखा है, जिसका नाम याद करा रखा है मैंने आपको डैट से। तो एटॉमिक थ्योरी का जनक किसे कहा जाता है, परमाणु सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है, जॉन डाल्टन। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर, दाब को मापने की एसआई इकाई क्या है, एसआई मानक क्या होता है। आपको पता है प्रेशर को नापते हैं हम पास्कल में, पीए। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था, अदरवाइज प्रेशर का जो चैप्टर था उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पास्कल इसकी इकाई है। इसके अलावा मैं इनकी बात करूं, एम्पियर किसकी इकाई होती है, करंट की, विद्युत धारा की। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितनी लाइट आ रही है, कितनी तीव्रता है लाइट की, तो ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट। केल्विन टेम्परेचर, तापमान की ऐसा ही इकाई होती है। तो ये आपको इतनी इकाइयां भी पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट क्लास में मैंने सारी इकाइयां एक्सप्लेन की हैं, सारी यूनिट्स एक्सप्लेन की हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से वेक्टर यानी सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि का मतलब है सह प्लस दिशा, यानी जिनके अंदर डायरेक्शन भी होती है, जिनके अंदर कोई ना कोई डायरेक्शन मैटर करेगी करेगी, कि कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इनके अंदर जो है, देखो डायरेक्शन हमको पता लगती है कहाँ पे, याद करने का तरीका तो यह है कि डायरेक्शन का पता लगता है हमें फील्ड में, क्षेत्र जो होते हैं वहां पे। तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो डायरेक्शन फिक्स कर दी ना, तो इसलिए ये एक सदिश राशि है यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जड़त्व, मैंने आपको बताया था न्यूटन के पहले नियम जो था वो जड़त्व के ऊपर था, जिन्होंने कहा था जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसके जड़त्व के कारण। जड़त्व का मतलब है जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, इसको जड़त्व बोलते हैं। तो वो न्यूटन ने ये कहा था कि अगर आपको किसी का जड़त्व तोड़ना है तो आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी। कोई भारी चीज है तो उसको ज्यादा फोर्स के साथ उठाना पड़ेगा, कोई हल्की चीज है तो उसको कम फोर्स के साथ। तो जड़त्व जो हम मेजर करते हैं, इनर्शिया जो मेजर करते हैं, किसकी वजह से मेजर करते हैं, मास की वजह से, हल्का और भारी, द्रव्यमान। तो इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास यानी द्रव्यमान के ऊपर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हीट इन डैश इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट से, उष्मा से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है ना वो आती है थर्मोडायनामिक्स में, यानी उष्मा गतिकी में। ये मैं आपको बता दूं, हीट से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है, और नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स जो है, जो उष्मा गतिकी है, आप देख भी रहो ना, उष्मा है, और किस में आपको उष्मा दिख रहा है, मैग्नेट नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है यही होगा। लेकिन वैसे भी मैं बता दूं, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई दो बॉडीज हैं, कोई दो चीजें हैं, एक ज्यादा गर्म है, एक ठंडी है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ज्यादा गर्म वाली अपनी गर्मी ठंडे वाली को दे देगी और दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स का मेन उद्देश्य यही होता है कि हर चीज बराबर के स्तर पे आना पसंद करती है, इक्वल लेवल पे रहना पसंद करती है। ठंडी चीज थोड़ी गर्म हो जाएगी, गर्म चीज थोड़ी ठंडी, लेकिन सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, सेम तापमान पर आ जाएंगे। तो किसमें आएगा ये, थर्मोडायनामिक्स में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है बट ऐड कर दिया है, तो आप देख लो। IC 1101 ये क्या है, किसका नाम है, तो आप अगर देखोगे तो आप कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये एक सैटेलाइट, ये आई थिंक ये, हाँ ये सैटेलाइट का नाम है, एक उपग्रह का नाम नहीं, सॉरी ये एक गैलेक्सी का नाम है, ये आकाश गंगा का नाम दे रखा है, तो एक गैलेक्सी का नाम है। तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which everyday morning ritual is part of quantum mechanics? Quantum यांत्रिकी का कौन सा इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो quantum mechanics का हिस्सा हो सकती है, physics का हिस्सा हो सकती है? Reading newspaper definitely नहीं। Ringing of an alarm clock, बिल्कुल, अगर alarm clock बज रही है कुछ ना कुछ तो physics इसमें लगी होगी। Making tea, चाय बनाने में आप कुछ use नहीं कर रहे physics का। Brushing teeth, ये भी नहीं है। तो ringing of an alarm clock, इसके अंदर quantum mechanics का role होता है। क्वांटम मैकेनिक्स होती वो है जो एटम्स पे काम करती है, परमाणुओं पे काम करती है। तो अलार्म क्लॉक है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसके अंदर जो आपने मशीन्स लगाई हैं वो ऐसी होंगी जो किसी ना किसी चीज़ पे अकॉर्डिंगली काम करती हैं। तो बाकी सब में सबसे सुटेबल यही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम?
बिजली का एक क्षेत्र होता है, विद्युत का एक क्षेत्र होता है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था आपका माइकल फैराडे। फैराडे वही थे जिन्होंने बिजली से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, इन्होंने हर तरीके से बिजली को बनाने की कोशिश की है। तो फैराडे कैसे याद रखोगे? फ्राइडे में हमें लाइट ऑफ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वीकेंड होता है तो फ्राइडे से ही हमको लाइट चाहिए, तो फ्राइडे से याद रखोगे फैराडे। तो माइकल फैराडे थे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड यूजिंग अ टॉर्सन बैलेंस? टॉर्सन बैलेंस ऐसा होता है ये, तो इसमें क्या चीज नापी जाती है? टॉर्सन बैलेंस में आप क्या चीज नापते हो? टॉर्सन बैलेंस में आप बल को नाप सकते हो, फोर्स को नाप सकते हो, प्रेशर को नहीं नाप सकते, मैग्नेटिज्म को नहीं नाप सकते, चार्ज को नहीं नाप सकते। आप टॉर्सन बैलेंस में, आप ऐसे याद रखो, बैलेंस होता है ना, वो होता है बैलेंस को क्या बोलते हैं? संतुलन बोलते हैं मेरे ख्याल में। तो अगर कोई चीज संतुलित करनी है तो बराबर बराबर फोर्स रखनी पड़ेगी, ऐसे याद रखोगे। तो टॉर्सन बैलेंस में क्या नाप सकते हो? फोर्स यानी कि बल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ इसका भी। Which of the following cells is not used in watches? घड़ियों में कौन सा सेल यूज नहीं कर सकते? मर्करी सेल हमें नहीं पता, हम यूज कर सकते हैं नहीं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हूँ। लेड एसिड सेल, ये कंफर्म है, एसिड तो हम यूज कर ही नहीं सकते, तो एसिड वाला ऑप्शन देखते ही मैंने क्रॉस कर दिया। जिंक एयर सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो अब आपको यहाँ से तीन क्वेश्चन पता लग गए कि घड़ियों में कौन कौन सा सेल यूज कर सकते हो। मर्करी सेल भी यूज कर सकते हो, जिंक एयर सेल भी यूज कर सकते हो, और सिल्वर ऑक्साइड का सेल भी यूज कर सकते हो। कौन सा नहीं कर सकते? एसिड वाला, लेड एसिड सेल नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? हिंदी में तो बहुत आराम से पता, इंग्लिश में ही पता लग रहा है। डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव। बिजली के दो अगर ध्रुव हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो इनका पूरा ओवरऑल आंसर क्या होगा? इनका जो नेट चार्ज है वो क्या होगा? नेट आवेश, प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? जीरो। तो इनका कितना आवेश होता है? जीरो आवेश होता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने CHSL में जो क्वेश्चंस आए हैं 2020 और 21 में फिजिक्स के वो करे हैं। ये वीडियोस जितने स्टूडेंट्स ने फिजिक्स की क्लासेस ली होंगी उनको सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा, उनके लिए कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि हाँ कुछ नया था। जो स्टैटिक के आंसर्स थे वो होंगे, जो नए होंगे वो भी ऑलरेडी हम बल्कि PDF में दे चुके हैं, लेकिन मैंने ओरली नहीं बताए हैं, तो मैंने इस वीडियो की हेल्प से आपको ओरली भी बता दिए हैं। जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये वीडियोस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ऐसा सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे सच वीडियोस देखने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक बार ज़रूर वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसमें फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट है। कुछ वीडियोस हैं जो बहुत लंबी लंबी हैं, लेकिन आप उसको भी आप तेज स्पीड पे करके देख सकते हैं। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने इसमें, आपको दिखाई दिया होगा कि ये टॉपिक्स से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली उन टॉपिक्स के तो वीडियोस आप देख ही लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब तो GS का आपको पता है कि वेटेज भी आपका इंक्रीज हो ही गया है। तो आज के लिए इतना ही। यूट्यूब पे आपको अगर कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए SSC के लिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर जाके आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं कि कोई वीडियो मिस तो नहीं हुई है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।